नमस्कार, मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा, इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं नोकिया के नए स्मार्टफोन नोकिया 5.1 प्लस के बारे में। ये एक सस्ता फ़ोन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक बुरा फ़ोन है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो कई लोग ये कहेंगे कि ये काफ़ी बजट सेगमेंट का फ़ोन है, तो इसका मतलब कि कई सारी चीज़ों पे कंपनी ने कमी करी होगी, कटाई करी होगी। पर मैंने ये नोटिस करा कि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत हद तक प्रीमियम है, और कई सारे मॉडर्न कंपनियां जो अपने आप को कहती हैं उनकी भी फ़ोन्स में इस लेवल का डिज़ाइन नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो देखेंगे एक नॉच स्टाइल डिज़ाइन है इसका, अच्छी सी डिस्प्ले है HD+, और बैक पे आपको ग्लास बॉडी मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देती है। इसका मतलब ये भी है कि फिंगरप्रिंट्स बहुत तेज़ी से आ जाएंगे और स्क्रैच लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पर हाथ में जो फील आती है वो काफ़ी गजब आती है। तो दोस्तों, इसकी जो डिस्प्ले है वो 5.8 इंच की HD+ डिस्प्ले है, फुल HD+ डिस्प्ले नहीं है। नोकिया ने यहाँ पर थोड़ी कमी करी है पैसे बचाने के लिए, सस्ता फ़ोन है ना। और इसके अलावा बाकी सब अगर हम फीचर्स की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस वगैरह पे आएंगे, पर पहले बिल्ड और डिज़ाइन की बात करते हैं। टॉप पे आपको 3.5mm जैक मिलता है इस फ़ोन के लिए। बैक पे अगर आप ध्यान से देखेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर है, ड्यूल कैमरा सेटअप है, ड्यूल टोन LED फ्लैश है, नोकिया की ब्रांडिंग है, एंड्रॉइड 1 की ब्रांडिंग है, जो कि जिसका फॉन्ट मुझे नोकिया वाली ब्रांडिंग के फॉन्ट से ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो USB टाइप सी पोर्ट है, और इसके अलावा आपको स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है, माइक्रोफोन पोर्ट है, और राइट हैंड साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है। लेफ्ट हैंड साइड पर इसके लिए सिम ट्री स्लॉट है। यह फोन हाइब्रिड सिम ट्री स्लॉट आता है। इंटरनल स्टोरेज 32 GB है, जिसमें से आपको 20 GB से थोड़ा सा ऊपर स्टोरेज फ्री मिलती है, और आप इसकी स्टोरेज को 400 GB से ऊपर तक बढ़ा सकते हैं माइक्रो SD कार्ड का प्रयोग करके। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगर आप एक बजट फ़ोन खरीदेंगे आप क्यों फालतू में इतना पैसा खर्च करेंगे, पर आपके अपने शौक हैं, दिली इच्छा होती है। कई लोगों को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपके ऐसे शौक हैं तो इन्हें जरूर पूरा करिए। सामने 2.5D कर्व्ड ग्लास है, जिससे कि जो ये कर्व्ड वाली फिनिश है काफ़ी सही आती है। और ओवरऑल मैंने ये पाया अपने यूजर एक्सपीरियंस में कि ये एंड्रॉइड 1 बेस्ड स्मार्टफोन है। तो एंड्रॉइड 1 बेस्ड स्मार्टफोन होने का मतलब है कि इसमें अपडेट्स बहुत तेज़ी से आएंगे, पर अपडेट्स तेज़ी से आने के बावजूद इसमें अब तक सिर्फ एंड्रॉइड 8.1 है, एंड्रॉइड पाई का अपडेट नहीं आया। देखते हैं कब तक अपडेट तेज़ी से आते हैं। बाकी एंड्रॉइड 1 का स्मार्टफोन है तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि कुछ अन्य फ़ोन्स के मुकाबले तेज़ी से अपडेट आ जाए। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक स्मूथ है, और जो जैसे ब्लोटवेयर वगैरह के इश्यूज होते हैं वो कहीं पे भी नहीं है। कुछ भी फालतू सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ, सिर्फ जो बिल्कुल ज़रूरी ऐप है गूगल द्वारा वो डले हुए हैं। यह फ़ोन 5V 2A की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इंटीग्रेटेड जो इसमें बैटरी है 3060mAh की बैटरी है। बैटरी बैकअप इतना ज़बरदस्त नहीं मिलेगा, अगर आप लगातार गेम खेलेंगे तो बहुत तेज़ी से बैटरी इसके ड्रेन हो जाएगी बूम। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आप आराम से शाम तक, एक दिन तक इसको आराम से चला पाएंगे। ये इस फोन का मतलब एंड्रॉइड 1 फोन्स में ज़्यादातर यही होता है कि ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी हद तक सही होती है, बट दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि जब आप स्क्रीन ऑन टाइम की बात करेंगे, रियल वर्ल्ड हैवी यूसेज की बात करेंगे, तो उतनी बैटरी नहीं टिकती है। अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें तो बैक पे PDF कैमरा मिलता है, ड्यूअल कैमरा सेंसर 13 MP का F2.0 अपर्चर के साथ, और 5 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। LED फ्लैश दिया हुआ है। फ्रंट फेसिंग कैमरा जो 8 MP का है, फिक्स्ड फोकस है, तो मतलब ये ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप उसमें। और उसके अलावा F2.2 अपर्चर का है और 80.4° की फील्ड ऑफ व्यू है। तो कई सारी चीज़ें ऐसे दिखाई देता है कि मतलब कॉस्ट कटिंग की गई है, फ़ोन को सस्ता रखने के लिए कई सारे कंपोनेंट्स को कम किया गया है। और एक और टॉपिक पे वीडियो जल्दी आने वाली है कि क्यों आपके कई सारे फ़ोन्स ऐसे होते हैं जो फ्लैगशिप लेवल के स्पेक्स के बावजूद भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ों में कमी होती है उनमें। तो इस एक टॉपिक पे जल्दी वीडियो आने वाली है। बाकी वापस आते हैं नोकिया 5.1 प्लस के बारे में। तो क्या ये फ़ोन बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस रेंज में? काफ़ी हद तक बढ़िया फ़ोन है। मैं आपको अभी गेमिंग परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। गेमिंग परफॉर्मेंस भी सही है, आप इस पर काफ़ी सारे गेम्स आराम से खेल सकते हैं। PUBG वगैरह आप देख सकते हैं कि किन सेटिंग्स पे चल रही है। सैन एंड्रियास भी आप देख सकते हो कि किन सेटिंग्स पे चल रही है। ओवरऑल स्मूथ चलता है। सैन एंड्रियास को मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग पे भी आप खेल सकते हो, क्योंकि इसमें जो MediaTek का चिपसेट है Helio P60, वो काफ़ी पावरफुल है। Helio P60 चिपसेट, 3GB रैम, ये हम ऑलरेडी बहुत सारे अन्य फोन्स में देख चुके हैं, पर इस फोन में भी एक बजट में इन्होंने ये परफॉर्मेंस दे दी है, तो कई लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी। ओवरऑल
परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन अच्छा है, पर जहाँ जहाँ पे इन्होंने वो छोटी छोटी कमियाँ करी हैं पैसे की कॉस्ट कटिंग करने के लिए, वो कभी कभी आपको नज़र आएंगी, नॉर्मल डे टू डे यूसेज में उतना आपको नहीं नज़र आएगा। सेंसर्स की बात की जाए तो यह फ़ोन ऑलमोस्ट हर एक वो सेंसर के साथ आता है जो कि अच्छे स्मार्टफोन एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी है, और चलो कम से कम इस चीज़ में तो इन्होंने कमी नहीं करी, वरना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी नेविगेशन करते वक्त या फिर गेम्स खेलते वक्त, या अगर आप बहुत ही ज़्यादा शौकीन है मेरी तरह तो 360 डिग्री वाली वीडियोज़ देखते वक्त। यह फोन ग्लॉस ब्लैक, ग्लॉस व्हाइट और मिडनाइट ग्लॉस ब्लू रंगों में आता है। मुझे ब्लैक वाला कलर हमेशा से ही पसंद आता है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ब्लैक वाले कलर का रिव्यू करूं, क्योंकि वंस यू गो ब्लैक यू नेवर गो बैक। अब आइए बात करते हैं कि इस फोन में ऐसा क्या क्या है जिसकी वजह से मेरे दिल में दर्द उठ गया। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से मेरे दिल में दर्द उठ गया वो ये है कि इसमें डेडिकेटेड फेस अनलॉक है ही नहीं। इसके अंदर वो नोकिया का और वो जो एंड्रॉयड का वो जो बेसिक वाला एक आता ना स्मार्ट लॉक वाला, ट्रस्टेड फेस ऐड करिए और ट्रस्टेड फेस के बलबूते पे अपना फ़ोन खोलने की कोशिश करिए, तो वो स्वाइप अप टू अनलॉक, जैसे ट्रस्टेड फेस इज नॉट एज सिक्योर एज योर फेस अनलॉक। ट्रस्टेड फेस वाला जो मैकेनिज्म है वो आपके फेस अनलॉक मैकेनिज्म जितना सिक्योर नहीं होता है। अब जैसे मैंने ऐसे कोशिश करी तो वो डिटेक्ट कर लिया उसने कि भाई फेस आपका अनलॉक होगा, फिर आप स्वाइप अप टू अनलॉक करिए, तो भाई मैं क्यों अपने दो स्टेप बढ़ाऊं जब मैं सिर्फ ऐसे फिंगरप्रिंट सेंसर से एक बारी में फ़ोन लॉक कर सकता हूं। तो डेडिकेटेड फेस अनलॉक नहीं दिया, ये इसकी बड़ी खामी है। दूसरी बड़ी खामी क्या है कि कैमरा जो है वो नॉर्मली ऐसा लगता है कि अच्छा है, बहुत सही है, लेकिन डे लाइट के अंदर जैसे ही आप इस लेवल की कंडीशंस में आते हैं, लाइटिंग को कम करते हैं, कैमरा परफॉर्मेंस कुछ हद तक गिर जाती है। बाकी क्या और मतलब ऐसी चीज़ है जो कि आपको शायद लंबे टर्म ऑफ यूसेज में खलेगी, तो दूसरी चीज़ आपको ये खलेगी कि ये बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्रीमियम है, लेकिन अगर आपने हाथ से ये फ़ोन ये छोड़ दिया तो ये फ़ोन ख़त्म है, क्योंकि ग्लास बैक होने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि उसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़बरदस्त होती है, और अगर आपसे फ़ोन गलती से ड्रॉप हो जाए या कुछ भी और दिक्कत हो जाए तो फ़ोन की लाइफ नहीं होती, वो एकदम ही ख़त्म से हो जाते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी वाली बात आ जाती है कि अगर जैसे नोकिया 7.1 प्लस था वो एकदम मेटालिक बॉडी थी, तो मुझे याद है कि वो फ़ोन मैंने बहुत रफली चलाया, बहुत बार गिराया, इतनी हाइट से अपनी पूरी हाइट से गिरा के भी उस फ़ोन पे माइनर डेंट्स आते थे साइड में जो कॉपर वाली लाइनिंग लगी सी थी उसमें। और ये फ़ोन तो आप देख ही सकते कि भले ही कितना भी ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, है तो ग्लास ही आगे पीछे, तो ग्लास टूटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वो जो बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी है वो डिज़ाइन के फेवर में थोड़ी सी कम हो चुकी है इस फोन के मामले में, स्पेसिफिकली इस फोन के मामले में। नोकिया के कुछ फोन्स बहुत ही ज़बरदस्त थे इस मामले में, 6.1 प्लस जो था पुराना वाला मॉडल, नोकिया 7.1 प्लस जो था मॉडल, उनमें काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन था और वो तो इतने स्ट्रांग थे कि उनसे मैंने, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो चेक करेंगे, उनसे तो हम लोग गेम खेल रहे थे उस पे, एक प्रॉपर सरफेस पे, और कोई और गेम खेलने लायक स्टर्डी फोन से एक ग्लास बैक वाली फ़ोन पे आने पे बिल्ड क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। और क्या बेकार है इसमें, इस प्राइस रेंज में आज की डेट में आपको अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फ़ोन्स मिलने वाले हैं। Realme 2 Pro आ रहा है और कितने सारे और अन्य फ़ोन हैं जो कि इसी के ही जो इसका एक जो प्रॉमिस है ना कि Android 1 वाला प्रॉमिस, उसको कई ज़्यादा हद तक एम्पलीफाई कर देते हैं और कुछ मामलों में इससे बेहतर भी देते हैं। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नोकिया के ब्रांड नेम के साथ रिलाय करना चाहता है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ये जो मतलब पूरा Android 1 वाला एक्सपीरियंस है वो पसंद है, आप अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ये नोकिया की जो एक स्पेसिफिक इमेज क्वालिटी होती है ना, थोड़ा सा हल्का सा शार्प होती है इमेज और ज़रा सा सैचुरेशन ऊपर नीचे होता है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अगर आपको वैसी इमेजेस पसंद है तो आपको नोकिया 5.1 प्लस लेना चाहिए। और स्पेशली अगर आपका वही वाला बजट है 11 से 12,000 के बीच में, तो आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, वरना अपना बजट थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए, Realme 2 Pro लीजिए, या फिर अपना बजट नीचे कम करके Realme 2 या फिर कोई और अन्य फ़ोन भी आप ले सकते हैं, Xiaomi वगैरह का। तो आज की डेट में आपके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं कि किसी एक ब्रांड पर सिमट के मत रह जाइए, रिसर्च कीजिए, ढूंढिए और फिर एक नया फ़ोन लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें और सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।